सभी को नमस्कार। जय रोहिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने DSSSB में जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश और ये बाकी सभी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम आपको सेट वाइज करवाएंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपकी किस लेवल की तैयारी हो चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज सेट वन से। वह कौन सा आदमी है जो बिना पढ़े विद्वान बना हुआ है? ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो, इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए हम आपको थ्योरी में भी ये जो है क्लियर करेंगे। तो ये मिश्र वाक्य है, इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, रास्ते में कुछ पड़ा है, वाक्य में रेखांकित पद है। देखो, कुछ का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हमें पता ही लग रहा है कि कुछ मतलब हमें पता ही नहीं है, क्या हमें निश्चित नहीं पता। नेक्स्ट, उसे पढ़ाना नहीं आता, इसमें जो है रेखांकित कौन सी क्रिया है? यह प्रेरणार्थक क्रिया। इन सबको पढ़ने के लिए आप हमारी कोई जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, जिसमें हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ये आपके रिविजन के लिए है, पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें उस वीडियो से, फिर रिवीजन के लिए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए क्या शब्द होगा? अनन्य। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं होता? देखो, दीर्घ वाक्य कोई प्रकार नहीं होता, ठीक है? संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, लेकिन जो है दीर्घ वाक्य वो नहीं होता। नेक्स्ट, है ही शब्द युग्म के लिए क्या शब्द होगा? तो इसके लिए होगा घोड़ा हृदय। मेरे घर के दोनों ओर फूल हैं, तो जो के दोनों ओर, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय, ये इनके संबंध के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, मैंने खाना खाया और तुरंत जाना पड़ा, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। देखिए, वाक्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। हमारी वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक पर, वो हम अपलोड कर देंगे, तो जरूर देखें इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चंस इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इसको थोड़ा क्विक भी कर सके। आज बहुत पानी बरसा है, ये कौन सा वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है, इसमें कोई दो वाक्यों का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट, विरोधी दल के पास कोई तर्क नहीं है, इस वाक्य में दल शब्द का अर्थ होता है, इसमें क्या? पक्ष। कोई तर्क नहीं, उसके पास कोई पक्ष नहीं है, कोई फेवर नहीं है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आस्था नहीं, विश्वास, यस विश्वास जो है पुल्लिंग है, धार्मिकता नहीं है, निष्ठा नहीं है। हमने टॉप 51 जो है रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें, उसमें से ही ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ये देख पाओगे। नेक्स्ट है, छायावादोत्तर काव्य में रीतिकाल जैसा श्रृंगार नहीं है, इस वाक्य में आए उत्तर शब्द का अर्थ है, इसमें बनता है अर्थ पीछे। छाया वादोत्तर, छाया के बाद के जो पीछे है, तो इसमें यही पूछा है, इसके वर्ड का मतलब होगा पीछे। निम्नलिखित वाक्यों में से डूबना शब्द का अर्थ नाश होना या निरर्थक होना किसमें है? व्यापार में पूंजी डूब गई, ये आपका जो है सही है, क्योंकि देखिए दिन डूबता जा रहा है, ठीक है, ये कोई इसमें कोई मतलब नहीं बनता। सूरज डूबता है? नहीं। तो आप जब चार ऑप्शंस में देखेंगे तो व्यापार में पूंजी डूब गई, इसमें जो है डूबना अर्थ नाश हो गया, हमारा सारा पैसा का जो है नाश हो गया। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, साहि सहिंदे नहीं, सौंदर्य नहीं, पांडित्य नहीं, चेतना, तो इसका आंसर होगा चेतना। अकर्मक क्रिया कौन सी है यहां? देखना नौ, चखना नो, पढ़ना नो, डरना। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? देखो, संयुक्त वाक्य क्या है, जैसे माँ ने बच्चे को नहलाया,
एक काम, उसके बाद फिर स्कूल भेजा। तो ये देखिए, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करके जाए इसे। मैं उसकी योग्यता का प्रशंसक हूं। इसमें मैं क्या है? मैं इसमें सर्वनाम है। विधाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विधात्री। अमेलित कारक चिन्ह को पहचानिए, जो नहीं होता। देखो ये होता है कर्ता ने, ठीक है, आपको पता होगा, कर्ता ने, देन कर्म को, राइट, देन कर्ता ने कर्म को करण से, इट मींस करण से, मींस अधिकरण क्या होता है, से नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, नोक शब्द से क्या विशेषण बनेगा? देखिए नुकीला, बिल्कुल सही है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई जो नोक वाली चीज है उसे क्या कहेंगे? नुकीला कह देंगे, लेकिन नोकिल, नकेल, नासिक के ये नहीं कहेंगे। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा होता है, देन निराशा, विलोम शब्द, इट मीन्स एंटोनिम्स, ओके। जैसे सिनोनिम्स होता है, ऐसे ही एंटोनिम्स होता है। सिनोनिम्स में जो होता है आपका समान होता है, एंटोनिम्स में विलोम होता है। नेक्स्ट, चांदनी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? देखो ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, चंद्रिका भी, कौमुदी भी, विभावरी चांदनी को नहीं कहते। विलोम शब्द हमने, टॉप 51 जो है विलोम शब्द है, आप उसको जरूर देखें। मैं रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें, विलोम शब्द को काफी यूजफुल है वो आपके लिए। मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा? मौखिक मीन्स ओरल, लिखित मीन्स रिटन। तो जो ओरल का जो अपोजिट है वो होता है रिटन। साप शब्द का पर्याय नहीं है। देखो अपन पर्याय है, भुजंग है, अहि है, लेकिन व्याध नहीं है। अगेन पर्यायवाची पे भी जो है वीडियो आप जरूर देखिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, ओके। नेक्स्ट, पर्वत पुत्री होने के कारण भवानी को क्या कहा जाता है? शैलजा, बिल्कुल सही। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है? दाक्षिणात्य नहीं, पौर्वात्य, बिल्कुल सही। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम होता है पौर्वात्य। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विधि, निषेध। मर्त्यलोक में आए मर्त्य शब्द का अर्थ है, इट मीन्स मनुष्य। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता द्रवणशील है, इसलिए धन को क्या कहते हैं हम? द्रव्य, द्रव्य पदार्थ आपने सुना होगा, तो इसमें हम द्रव्य को कहते हैं, धन को क्या कहते हैं? द्रव्य। खेद का विलोम शब्द क्या है? किसी चीज के लिए खेद करना, ठीक है। देखो ये सारे ही जो है दुख, अफसोस, ये क्या है? इसी के सिमिलर वर्ड है, ओके। तो खेद शब्द का विलोम क्या होगा? प्रसन्नता। ये अपठित गद्यांश है, मैं इसको होल्ड करता हूं वीडियो को, आप इसको अच्छे से पढ़ें और उसके जो है आंसर्स को देने की कोशिश करें। आप वीडियो पॉज करके इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन एग्जाम्स में क्या होता है, देखिए आप कोई चीज को कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। चरित्र से किसकी वृद्धि नहीं होती, ठीक है, मूल आधार की, या आप बिना गद्यांश पढ़े भी टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गद्यांश पढ़े ध्यान से। जैसे यहाँ पे पूछा है गद्यांश का मूल स्वर है, तो ये जो आपको ऑप्शंस जब भी शॉर्ट आउट कर पाओगे जब आप ये पढ़ोगे। जापान का अगेन ये सब पैसेज में ही है, तो देखो पैसेज की प्रैक्टिस तो आप कर
करो या ना करो वह एग्जाम में ही डिपेंड करता है, तो हम इसको जस्ट स्क्रोल आउट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप 10 से 12 मिनट में ही आप पूरी प्रैक्टिस कर लें। तो ये सारा देख रहे हैं, अपठित ध्यान सी है, ठीक है। तो ये 40 जो है क्वेश्चंस का पूरा सेट है, उम्मीद करते हैं आपको आइडिया लगा होगा सेट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे हम तकरीबन 25 सेट हैं, 20 से 25 सेट है, हमने कुछ सेट्स पहले भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप ये जरूर देखें और जरूर प्रैक्टिस करें। जो डाउट हो आप कमेंट हमें करें। नेक्स्ट सेट में हम जो है इंग्लिश के भी लेके आएंगे, बाकी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जस्ट क्विक रिवीजन करें इनको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च कीजिए यूट्यूब पे जय रूहिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।